उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको दीर्घायु मिले, उनको देश की सेवा करने की शक्ति मिले, ये पूरे देशवासियों की तरफ से उनको आशीर्वाद मिले। हमारे देश को दुनिया में देश का नाम रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसलिए आज हमारा देश आर्थिक महासत्ता बनने की ओर जा रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरी ताकत पूरे देशवासियों से मिले और उनकी उनको ऊर्जा मिले, उनको प्रेरणा मिले। दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नंबर एक पर रहना हमारे लिए गरूर की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है। हमारे देश का कप्तान है नरेंद्र मोदी, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको दीर्घायु मिले, उनको देश की सेवा करने की शक्ति मिले, ये पूरे देशवासियों की तरफ से उनको आशीर्वाद मिले, क्योंकि हमारे देश को दुनिया में देश का नाम रोशन करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसलिए आज हमारा देश आर्थिक महासत्ता बनने की ओर जा रहे हैं। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर में लाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। अब उनका संकल्प है विकसित भारत 2047 और तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था ले जाने का उनका सपना है और हमारे देश को आर्थिक महासत्ता बनाना उनका सपना है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री जिनको पूरी ताकत पूरे देशवासियों से मिले और उनको ऊर्जा मिले, उनको प्रेरणा मिले, आज पूरी दुनिया में उनकी जो लोकप्रियता है आज नंबर वन पर है। दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता नंबर एक पर रहना हमारे लिए गरूर की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है और हमारे लिए अभिमान की बात है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 50-60 सालों में जो नहीं कर पाए विपक्ष जो सत्ता में थे वो, लेकिन पिछले 10 सालों में जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो निर्णय गरीब, युवा, किसान, महिला का उत्कर्ष, गरीबी हटाओ बोलते थे, गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 32 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आ गए। आज ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो गरीबी दूर करने का काम, गरीबों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम और जो मिडिल क्लास है उनको न्याय देने का काम, उनकी कई योजनाएं हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, महिलाओं को आत्मसम्मान देना, आज जनधन योजना होगी, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत योजना होगी, पीएम आवास योजना होगी, 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा, अभी इस बार उन्होंने घोषणा कर दी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफी बजट प्रोविजन किए, इसलिए महाराष्ट्र को भी बहुत इसका फायदा होगा। महाराष्ट्र और राज्य सरकार मिलकर जो लखपति दीदी उनकी है, ड्रोन दीदी है, कई योजनाएं उनके बचतगढ़ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी उनके खुद के बलबूते पर खड़े करने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए उनको 100 दिन में इतने निर्णय उन्होंने लिए, किसानों के लिए निर्णय लिए, आज सोयाबीन और कपास का निर्णय वो ले रहे हैं, प्याज का निर्णय ले रहे हैं और इसलिए किसान भी हमारा आत्मनिर्भर हो जाए। पूरे जितने वर्ग हैं, महिला, किसान, कामगार, युवा और जो सीनियर सिटीजन, उनके लिए बहुत बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार कर रही है, उन्होंने किया है, उन्होंने दिखा दिया है कि इस देश में लोगों के हित का काम करने वाला कौन है, इसलिए जनता ने उनको तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाया है, और इसलिए मैं ये कहूंगा, मोदी जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की सदी, मैं भी यही कहूंगा 21वीं सदी भारत की सदी, क्योंकि हमारे देश का कप्तान है नरेंद्र मोदी, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनकी ताकत को 4 चांद लग जाए,
और उनकी ताकत बढ़े, प्रेरणा मिले, ऊर्जा मिले, पूरे देशवासियों का उनको आशीर्वाद मिले, क्योंकि बिना थके बिना रुके काम करने वाला प्रधानमंत्री, इस 10 सालों में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री, पूरा देश को अपना जीवन समर्पित करने वाला प्रधानमंत्री, और उनके जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और 100 दिन में इतना काम किया है तो आगे 5 साल में कितना काम करेंगे ये सोचो।